सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लोगों के सोशल मीडिया कंटेंट पर निगरानी सही नहीं है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार का ऐसा करना ठीक नहीं होगा। दरअसल अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब बनाना चाहती है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के जरिए सरकार निगरानी रखेगी। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सरकार सोशल मीडिया पर यह हब बनाना चाहती है। टीएमसी विधायक महुआ मोइत्रा ने सरकार के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। महेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हैं। महेश, विस्तार से बताइए मामला क्या है और कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, इसमें जो ये बात चल रही है कि सरकार ने बोला है कि हम इसमें जो है एक तरह से सर्वेलांस किया जाएगा, मॉनिटरिंग होगी, तो इसको जो है वही निष्ठा का अधिकार वाली बातें भी आ जाती है इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या, सुनवाई के दौरान जो और पैरा वाइज जो जो उसमें प्रेयर की गई है, जो जो ग्राउंड की है, तो उनका पैरा वाइज रिप्लाई देना होता सरकार को। बिल्कुल। और कहां से ये पूरा शुरू हुआ था मामला, क्यों बनाना चाहती थी सर ये हब बनाना चाहती थी सरकार? देखिए, ये सर्वेलांस का है इशू, इसमें कई चीजें आती कि जो फेसबुक पर सोशल मीडिया में कई चीजें चलती हैं और कई चीजें गलत चलती हैं, उसकी वजह से फिर समाज में गलत बात जाती है। ये कई बार आपने देखा है, दो ग्रुप के बीच में भी कुछ चर्चा हो जाती है, लोग कुछ गलत पोस्ट कर देते हैं और गलत पोस्ट करने का पीछे उनका कोई मकसद होता है, तो उससे जो है समाज में गुटों के बीच में द्वेष फैलना या किसी और प्रकार की चीजें होती हैं जो असामाजिक होती है, इन सबको लेकर जो है ये था कि उनको सर्वेलांस किया जाएगा, उनको फिल्टर किया जाएगा, ये कोशिश थी सरकार की। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी देने के लिए।